हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि फेक न्यूज़ क्या होती है, यानी एलो जर्नलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसके कारण क्या हैं, जो भारत में लगातार फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण हैं और इस फेक न्यूज़ की वजह से क्या चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं, या इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अभी तक इसको कंट्रोल करने के लिए, और यदि कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, इन सब मुद्दों में हम बात करेंगे, ठीक है। और इस सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी हो, प्री मेंस, सब के लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलिए अपना लेसन शुरू करें। सबसे पहले बात आती है कि फेक न्यूज होती क्या है। तो देखिए, जैसे आप मीनिंग तो जानते होंगे ना, फेक की मीनिंग क्या होती है, तो वही है, सिंपल है, कुछ नहीं। फेक न्यूज का मतलब क्या है कि काल्पनिक, जो सच नहीं है, कोई अपने मन से बैठे बैठे, आप मान लीजिए कोई फेसबुक में बैठे बैठे कुछ भी झूठी पोस्ट लिख देता है जो नहीं हुआ, वही फेक है, ठीक है। कोई बोल देगा यहाँ ऐसी चोरी हुई है, सांप्रदायिक न्यूज डाल देगा, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, काल्पनिक लेख हो, समाचार सूचनाएँ, ये सब क्या है, फेक न्यूज कहलाती है। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है फेक न्यूज का, पाठकों को गुमराह करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या होता है फेक न्यूज का, पाठकों को गुमराह करना। और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आर्थिक उद्देश्य भी होता है, लोग झूठी जानकारी लेके YouTube वगैरह में जैसे वीडियो बना देना, ताकि क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यू करें, क्लिक करें, ताकि उनको अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, वायरल हो, वो फेमस हो, तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं फेक न्यूज में। राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं फेक न्यूज के, सांप्रदायिक मायने भी हो सकते हैं, आर्थिक मायने भी हो सकते हैं, तो ये कुछ भी किसी भी रीजन से हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है पाठकों को गुमराह करना, आपको ध्यान रखना है। जानबूझकर प्रसारित किया जाता है फेक न्यूज, यही है कि जानबूझ के गलत सूचनाएं प्रसारित करना, लोगों के बीच में भ्रामक सूचनाएं पैदा करना। जैसे भारतीय राष्ट्र, हाँ, एक न्यूज आपने भी कभी ना कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह में देखी होगी कि भारतीय राष्ट्रगान को यूनेस्को के द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाना, ये फेक न्यूज बहुत चली थी एक समय, तो ये एक तरह से फेक न्यूज का ही एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फेक न्यूज आपको समझ में आ गई कि क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि चर्चा में क्यों, आखिर मतलब इसका, इस समाचार या न्यूज में अभी क्यों ज़्यादा है। वैसे हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन अभी का इसका क्या कारण है फेक न्यूज का, और एग्जाम में क्यों आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है, आपको एक बात पता होगी कि जो 370 धारा थी जो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, ठीक है, तो और इसकी वजह से वहाँ समस्याएं ना पैदा हो, तो इंटरनेट भी वहाँ पे बंद कर दिया गया, ताकि लोगों के बीच अफवाहें ना फैलें। इन सब की वजह से बहुत सारी याचिकाएं कहाँ पहुँची, सुप्रीम कोर्ट में पहुँची, लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की, ओके। तो उन सब मुद्दों को लेकर ये चर्चा में था, यानी हाल में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार एवं सोशल मीडिया को फेक न्यूज से निपटने, सरकार को सोशल मीडिया से के जो फेक न्यूज से निपटने के लिए क्या किया, आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए, चाहे वो सरकार हो, सोशल मीडिया, दोनों को कहा है कि जो फेक न्यूज लगातार बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करें, और हमें ऐसे दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें ऐसे दिशा निर्देशों की आवश्यकता है जिससे ऑनलाइन अपराध करने वाले और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वालों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगाई गई सरकार की रोक के खिलाफ बहुत से लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, उसी के अंतर्गत ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमें जो भ्रामक जानकारी पोस्ट करते हैं उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर ये अभी न्यूज में क्यों आया। साथ ही और भी इसका एक कारण है न्यूज में होने का, कि इसका जो दूसरा कारण है न्यूज में होने का, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक समझौता संपन्न हुआ है, और उस समझौते में भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य 20 देशों ने भी हस्ताक्षर किए, तो इस वजह से भी ये न्यूज में था। और इस पहल की शुरुआत किसने की, फेक न्यूज से संबंधित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, आपने और भी इसका नाम सुना होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल में काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके आखिर ये समाचार में क्यों है, तो ये दो कारण है इसके। इसके बाद बात करें कि फेक न्यूज़ जो लगातार बढ़ रही है इसके कारण क्या हैं, ओके। तो फेक न्यूज़ के कारणों की बात करें तो समुचित विनियमन का अभाव,
यानी इस तरह से कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, उसके अनुसार ये काम करें। तो इस वजह से भी फेक न्यूज लगातार बढ़ती है, जिसकी मर्जी होती है। मैं चाहूँ, आप चाहें, अभी भी अपनी फेसबुक वाल में कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन न पता है, न कोई ऐसा है कि आप, और वो न्यूज़ लगातार लोग शेयर करेंगे और वो वायरल हो जाएगी, फेक न्यूज़ इस तरह से बढ़ती है। ऑनलाइन समाचार या सूचना पोर्टल के खोलने के लिए आवश्यक बाध्यकारी नियमों की कमी। कोई भी सूचना पोर्टल आप खोलना चाहते हो, अभी भी खोल सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाओ, कुछ भी अपलोड करना शुरू कर दो। इस टाइप की चीज़ें भी फेक न्यूज़ को बढ़ावा देती हैं। अभी आप कोई भी पोस्ट करो, 4 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप, तीसरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी और वो वायरल हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो फेक न्यूज़ को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। तो समुचित विनियमन का अभाव, सांप्रदायिकता एवं वैचारिक स्तर पर ध्रुवीकरण के कारण फेक न्यूज़ का प्रसार, यानी धार्मिक कारणों से भी लोग लगातार, ठीक है, एक दूसरे धर्मों के बीच दुष्प्रचार करना, कट्टरता की भावना पैदा करना भी धार्मिक कारणों से भी लोग ऐसा करते हैं। राजनीतिक कारणों से भी लोग ध्रुवीकरण करने के लिए, ताकि विभिन्न सांप्रदायिक समुदाय क्षेत्रों के लोगों का मतदान अपने पक्ष में कर सकें। इस वजह से भी, यानी राजनीतिक कारणों से भी फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन और मोबाइल, देखिए अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, तो एक ये भी फेक न्यूज़ का कहीं ना कहीं कारण है कि लगातार लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते रहते हैं। जो मैंने अभी इसके पहले भी बताया था कि जैसे ऑनलाइन झूठी न्यूज़ फैलाने का फ़ायदा एक आर्थिक भी होता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यू करें और उनको अधिक से अधिक इनकम हो। तो ये भी एक कारण होता है कि वायरल हो, इनकम हो, भले झूठो, बस उनको इनकम होना चाहिए। तो लाभ कमाने के मकसद से भी ये काम किया जा रहा है। TRP बढ़ाने का भी एक पर्पज़ होता है कि आप फेक न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो लोगों को आकर्षित करे, भले वो गलत हो, झूठ हो, TRP मिले, इस वजह से भी फेक न्यूज़ लगातार बढ़ती जाती है। तो ये भी एक इसका कारण है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि चुनौतियाँ क्या हैं, आखिर इस लगातार बढ़ रही हैं क्या समस्याएँ हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी वजह से और क्या कारण है, ठीक है, क्यों इसको रोक पाना संभव नहीं है। तो एक तो कारण ये है कि जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके जो प्रावधान है वो स्पष्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, और पता भी है तो समझना इतना आसान नहीं है, उसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, लोग जागरूक भी नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, विभिन्न राज्यों की जो भी पुलिस है या अन्य जो जांच एजेंसियां होती हैं, उनको भी इस जो ऊपर मैं अधिनियम की बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, ये भी एक चुनौती है। साथ ही भारत में जो साइबर अपराध होते हैं वो किसके तहत दर्ज कराए जाते हैं, इंडियन पेनल कोड IPC के तहत दर्ज कराए जाते हैं, ना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, ये भी एक समस्या चुनौती है। ज़्यादातर सोशल मीडिया व सर्च इंजनों का ना तो भारत में सर्वर है और ना ही उनका कार्यालय है, इसलिए ये भारतीय नियमों के मानने के लिए बाध्य नहीं, ठीक है। यानी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यदि उसका मुख्यालय भारत में होगा तो भारत के नियम कानून के अनुसार वो चलेगी, रेगुलेशन भी किया जा सकता है। उनके मुख्यालय भी भारत में नहीं है, उनको कोई टेंशन भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि हम एक माध्यम है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम सिर्फ मीडियम उपलब्ध कराना है, लोग उसमें पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, हम सिर्फ माध्यम देते हैं, और किसी भी तरह का उनका भारत में मुख्यालय भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बन के उभरी है फेक न्यूज़ के प्रसार में, जो भी बाधा आ रही है, ठीक है। अगला देखें हम कि दरअसल सोशल मीडिया पर प्रचलित जो सूचनाएं होती हैं उनका एक बड़ा हिस्सा यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, आप खुद उसको बनाते हैं, खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। कंपनियां यह तर्क रखती हैं कि वह मात्र एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो कंपनी है वो क्या बोलती हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, बाकी लोग खुद उन सूचनाओं को बनाते हैं, खुद भेजते हैं, ओके। यदि सरकार इस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश भी करती है तो उसको क्या बोला जाता है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उस पर हमला कर रही है, लोगों की जो अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता मिली है हमारे संविधान में, ठीक है, उस पर क्या है, ये हमला है। साथ ही क्या बोला जाता है कि नागरिकों के ऊपर जासूसी करने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यदि वो इन सब चीज़ों में प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है, तो ये भी एक समस्या है। सरकार का निगेटिव जाएगा लोगों के प्रति, तो सरकारों को भी डर होता है अपना वोट बैंक कम ना हो जाए, तो इस वजह से भी ये एक चुनौती है। और फेक न्यूज को शामिल
फेक न्यूज़ में क्या शामिल होता है, इसकी अभी एक ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि लोगों को समझाया जा सके कि क्या चीज़ है फेक न्यूज़ में, क्या नहीं है, इस तरह से एक क्लियर कट डेफिनेशन भी नहीं है, ठीक है। और साथ ही इन चीज़ों की वजह से भी सरकार इनमें अंकुश लगाने से डरती है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियों के अंतर्गत हम बोल सकते हैं। ओके, अगला देखें कि अब इसमें सुझाव क्या दिए जा सकते हैं, यदि ये समस्याएं हैं तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो एक सुझाव यही है कि जब मैंने इसके नीचे ऊपर वाले स्लाइड में बोला कि निश्चित परिभाषा नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक परिभाषा देने की आवश्यकता है। यदि हम इसकी परिभाषा देंगे तो उन लोगों को जागरूक करने में भी आसान पड़ेगा, ठीक है। साथ ही जो संपादकीय मंडल होते हैं, जो न्यूज़ों को लिखते हैं, उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी चाहिए कि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी उनकी मानी जाएगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के टूल्स विकसित किए जाने चाहिए जो फेक न्यूज़ को निगरानी कर सके, उनका विश्लेषण कर सके और फैलने से पहले ही उनको रोका जा सके। फेक न्यूज़ के संदर्भ में मानदंड भी निर्धारित होने चाहिए, ओके। और यदि उन मानदंडों से कोई खरा नहीं उतरता है, उनके खिलाफ जाता है, जो रूल्स बनाए जाए कि ऐसा ऐसा आप करते हो तो फेक न्यूज़ के अंतर्गत आएगा, यदि कोई करता है तो उनको दंड का भागीदार माना जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही पत्रकारों, सोशल मीडिया, इन सब की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि फेक न्यूज़ को बढ़ावा ना मिले। इसके लिए क्या है, लोगों को सोशल मीडिया साक्षरता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर कोई इंटेंशनली इसको फैलाता है, लोगों को जानकारी ही नहीं होती, ऐसी कोई न्यूज़ अफवाह होती उनको सही लगता है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, कर देते ही है। पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़, पढ़े लिखे लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि इसका मतलब ये हो कि लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, कि वो अपने लेवल में भी ये जान सकते हैं कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी फेक न्यूज़ नहीं है, उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड करें, नहीं तो फॉरवर्ड ना करें। यदि इस तरह की जागरूकता हो तब भी इसको रोका जा सकता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों में सोशल मीडिया साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। ओके, अगला है सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसको भी हमें ध्यान से देना है। इससे संबंधित भी यदि मेंस में क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है। तो सोशल मीडिया को निर्देश दिया है और दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 153, इन दोनों के सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं। तो सोशल मीडिया को क्या निर्देश दिया गया है कि ये जो कंपनियाँ हैं इनकी एक कॉरपोरेट इकाई की स्थापना भारत में हो, तब वो भारत के नियमों के अनुसार रेगुलेशन करेंगी, ठीक है। साथ ही फेक न्यूज रोकने के लिए टूल्स विकसित किए जाएँ, ओके। साथ ही जो विभिन्न प्रकार का फेक न्यूज़ के जरिए वित्तीय लेन देन होता है वो भारतीय सर्वरों पर संग्रहित किया जाना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया, यानी कुल मिला के एक तरीका है रोकने का, सोशल मीडिया पे कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब दिशा निर्देश क्लियर कट हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी फेक न्यूज़ नहीं है, इस तरह की चीज़ हो। और दूसरा है कि जो भारतीय दंड संहिता 153 है उसमें क्या है कि कोई यदि धार्मिक, विभिन्न प्रकार का, भाषा, क्षेत्रीय, इस आधार पर जो घृणा या जो आपसी द्वेष की भावना या बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो इसके अंतर्गत IPC 153 की धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा हम यदि विभिन्न देशों की बात करें कि उनमें क्या चल रहा है फेक न्यूज़ से संबंधित, तो देखिए मलेशिया ने एक कड़ा कानून है फेक न्यूज़ से संबंधित, जिसमें क्या है कि 5,00,000 रिंगित वहाँ की करेंसी है, जुर्माना और 6 साल तक का कारावास की व्यवस्था की गई है मलेशिया में फेक न्यूज़ से संबंधित, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही कठोर कानून है। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी अप्रैल 2019 में इसको यूजर्स के द्वारा किए जा रहे पोस्ट के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए कानून को मंजूरी दी है। किसने? यूरोपियन यूनियन ने, यानी वहाँ भी एक तरह का कड़ा कानून है, ठीक है। चीन में तो आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया साइट जो हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबको चीन ने तो बैन तक कर रखा है, ठीक है। साथ ही हजारों संख्या में साइबर पुलिसकर्मी भी वहाँ पर बनाए गए हैं, जो क्या उनका सिर्फ काम ये कि फेक न्यूज़ को देखना, कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी नहीं है, भड़काऊ पोस्ट, फेक न्यूज़, इन पर नज़र रखना, और साथ ही इंटरनेट के बहुत से कंटेंट पर सेंसरशिप भी उसने लगा रखी है चीन ने। कहने का मतलब चीन ने क्या किया है, ऐसे अलग से एक पुलिसकर्मियों का स्टाफ बनाया है जो इन चीज़ों को जानकारी रखता है, देखता है, उनका विश्लेषण करता है और
सेंसरशिप भी वहाँ पे लगी हुई है। सिंगापुर में भी फेक न्यूज़ के संदर्भ में पिछले वर्ष क्या है, एक कानून लाया गया है। साथ ही फ्रांस में भी 2018 में फेक न्यूज़ संबंधित कानून पारित किया गया। तो ये विभिन्न देशों में है जो कि फेक न्यूज़ से संबंधित कानून है। तो आपको याद रखना मलेशिया में बहुत ही सख्त कानून है। तो मलेशिया, यूरोपियन यूनियन, चीन, सिंगापुर और फ्रांस में। अब यदि हम भारत में बात करें, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, जो सारा हमने अभी टॉपिक किया है, इसका निष्कर्ष ये हो सकता है कि भारत में अक्सर फेक न्यूज़ के मामले आपने देखे होंगे। और यदि फेक न्यूज़ का मामला इस तरह का हो कि एकता और अखंडता को बाधित करने वाला हो, क्षेत्रीय द्वेष पैदा करने वाला हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला हो, ठीक है, विभिन्न भाषा भाषाई लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने वाला, या अन्य भी किसी भी तरह का जो जो देश के हित में नहीं है, ऐसी न्यूज़ बढ़ाने वालों के लिए क्या होना चाहिए, एक सख्त कानून होना चाहिए। और लोगों को साथ ही जागरूक भी होना चाहिए कि क्या होती है फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ के लिए क्या नियम कानून है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लोग सोशल मीडिया यूज लगातार कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो फेक न्यूज़ के बारे में जानते हैं और ना वो समझ पाते हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें के माध्यम से हम फेक न्यूज़ पर लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश हैं और यहाँ पे फेक न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी घटनाएं भी देखी होती है, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से गलत सूचनाओं की वजह से कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओके, तो ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही और भी मैंने विभिन्न सब्जेक्ट के ऊपर लेसन बनाए हैं, तो आप उनको भी देखिए जो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल में, फेसबुक, दोनों नवोदित स्टडी के नाम से आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।